स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर अरविंद सेन जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डायरेक्टर अरविंद सेन जी के डायरेक्शन रनी सबसे पहली मूवी आई थी 1955 में, जिसका नाम था अमानत। इस मूवी में लीड कास्ट में थे भरत भूषण, चांद उस्मानी, अचला सचदेव, नाजिर हुसैन और कन्हैया लाल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1957 में, इसका नाम था जमाना। इसको डायरेक्ट किया था अरविंद सेन जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे फिरोज खान, अमिता, नाजिर हुसैन और कमलजीत सिंह। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लू एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1959 में, जिसका नाम था जालसाज। इसको डायरेक्ट किया था अरविंद सेन जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे किशोर कुमार, माला सिन्हा, अचला सचदेव, श्यामा प्राण और नासिर हुसैन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अरविंद सेन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1971 में, जिसका नाम था मर्यादा। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राजेश खन्ना, माला सिन्हा, राजकुमार प्राण, आशीष सेन और अवि भट्टाचार्य। इस मूवी का बजट था 1,10,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में 2,25,00,000 की और दुनिया में 4,50,00,000 की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में, जिसका नाम था कसौटी। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों अरविंद सेन जी ने किया था। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सोनिया साहनी, रमेश देव, भट्टाचार्य। इस मूवी का बजट था 70,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में 1,00,00,000 की कमाई की और दुनिया में 2,00,00,000 की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को अब एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1963 में, जिसका नाम था मेरे अरमान मेरे सपने। इसको डायरेक्ट किया था अरविंद सेन जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे प्रदीप कुमार, लक्ष्मी छाया, कुमारी नास, पद्मा देवी, आशीष सेन, आवा और प्राण। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1978 में, जिसका नाम था अतिथि। इसको डायरेक्ट किया था अरविंद सेन जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शशि कपूर, शबाना आजमी, विद्या सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और देवन वर्मा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अरविंद सेन जी के डायरेक्शन बनने अगली मूवी आई थी 1986 में, जिसका नाम था नसीहत। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों अरविंद सेन जी ने किया था। इसमें लीड कास्ट में थे राजेश खन्ना, शबाना आजमी, दीप्ति नवल, तनुजा, मिथुन चक्रवर्ती, अमजद खान और कादर खान। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अरविंद सेन जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके प्रोडक्शन और डायरेक्शन बनी कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।